पे फंसा है क्या? जल्दी करो, आराम से, आराम से अंदर चलो। हाँ तुम अंदर आओ, जल्दी करो। अंकल, 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 ये सब कैसे हुआ अंकल? महिमा राय का दामाद। क्या कर रहे हो? सबको क्यों मार रहे हो? ये तो सरासर गुंडा कर दी है। आइए। नहीं बेटे नहीं, ये फैक्ट्री पूरी तरह राख बन चुकी है। इसके साथ ही मेरा भी राख में मिल जाने का समय आ गया। ये ले ले बेटा, ये मेरी तरफ से तेरी आखिरी सैलरी। चंद्रशेखर धर्मा, जो मुझसे मिलना चाहते हैं वो बाहर इंतजार करते हैं, चप्पल निकाल के आते हैं। तुम्हें क्या इतना भी नहीं पता? ना तो ये घर कोई मंदिर है और ना ही तू कोई देवी। बता तेरा दामाद कहाँ है? आखिर मेरे दामाद का पीछा छोड़ने के लिए तुम कितनी रकम लोगे? जरा शांत रह, तेरे लिए सेटलमेंट होगा, मेरे लिए सेंटिमेंट है। तू नहीं समझेगी। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। क्यों? जातिवाद का एजेंडा लेकर कोई पार्टी खोली है या कोई धर्म ग्रंथ लिखा है? तेरे नाम पर भले ही करोड़ों की जायदाद हो या तेरी फौज में हजारों लाखों गुंडे हो, कोई तेरे दामाद को बचा नहीं पाएगा। चंद्रशेखर धर्मा, वॉइस का वॉल्यूम कम कर वरना तेरी लाइफ लाइन कम हो जाएगी। अगर 10 मिनट के लिए मैंने इसे पर्सनली ले लिया तो तेरे फ्यूचर में 11वां मिनट नहीं रहेगा। तुम जैसे अड़ियल घोड़ों की सवारी करने के बाद ही आज यहाँ पहुँची हूँ मैं। घोड़ों की सवारी की है ये सोचकर शेर की सवारी की मत सोच, समझ जा। मैं कभी शुरुआत नहीं करता, अगर शुरुआत की तो बीच में नहीं छोड़ता। तेरे दामाद की डेडलाइन 48 आवर्स। तब तक तो मैं तुझे दिल्ली में रहने ही नहीं दूंगी धर्मा। अपने दामाद के क्रियाकर्म के लिए इलाहाबाद आ जाना, वहीं मिलेंगे। भाई साहब, हमें डर सा लग रहा है। आप उस महिमा राय से झगड़ा करके आए हैं क्या? अब चाहे कुछ भी करें वो तो हमारे पास वापस नहीं आने वाले। इस बात को यहीं छोड़ दें तो नुकसान देने वाले मिल के लिए उनसे झगड़ा करने से हमें कोई फायदा नहीं है भैया। एकदम ठीक कहा दामाद जी, अगर वो नहीं मारता तो 4 दिन बाद वैसे भी वो बूढ़ा मर जाता। जलकर राख होने वाली मिल वैसे ही किसी काम की नहीं थी, उसके लिए आप। शट अप! कभी ना कभी तो तुम मर ही जाओगे ना, तो इंतजार क्यों, अभी मर जाओ। छी, मौत तुम तक आए तो डर, किसी और को आए तो अफसोस।
फिलॉसफी। वो तुम लोगों के लिए मिल हो सकती है, लेकिन मेरे लिए मंदिर है जहाँ पिताजी रहे थे। आज हम शान और शौकत से रह रहे हैं तो सिर्फ पिताजी की मेहनत की वजह से। इस पल से उस पल तक 25 साल का रिश्ता था हरिप्रसाद जी का। पिता समान शरीफ इंसान को मारा है, चार दीवार की मिल को ही नहीं जलाया उसने, 50 साल का इतिहास मिटाया है, 500 परिवार की खुशियों को मिटाया, इतने सालों से संजोए हुए पिताजी के इतिहास को मिटाया। मेरे साथ पंगा लोगे तो छोड़ दूंगा, लेकिन पिताजी की यादों के बीच आए तो चीर डालूंगा। मेरे कामों में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता, सिर्फ फुल स्टॉप होता है। उसे मारकर ही दम लूंगा। ये सिर्फ मेरी इच्छा नहीं है, ये मेरा लक्ष्य है। इतिहास भूलने वाले का कोई भविष्य नहीं। फर्स्ट टाइम लाइफ में, फर्स्ट टाइम उसकी वजह से, मौत के डर से भीगी बिल्ली की तरह आज मैं असहाय होकर एक कायर के जैसा यहाँ आकर छुपा हुआ हूँ। दिल्ली में हमारा सामना करने वाला कौन है? मैं उसे मार डालूंगा। तुम उसे नहीं जानते हो। बस बता दो वो कौन है, कहाँ पर मिलेगा, कैसा दिखता है, बोलो। उसकी डेड बॉडी कल ही तुम्हारे सामने ला दूंगा, बोलो बोलो। जरूरत नहीं है, उसका क्या करना है तुम्हारी सासू माँ देख लेंगी। तब तक के लिए तुम बाहर मत निकलना, तुम्हारी गन से ज्यादा उनका दिमाग चलता है। ऐसा प्लान किया है कि वो खत्म हो जाएगा, बस थोड़ा सब्र रखो। हेलो चंद्रशेखर धर्मा, तुम्हारी पूरी फैमिली मेरे घर पर है, उन सबको मैंने किडनैप करवा लिया है। इस महिमा राय की ताकत अब तुझे समझ में आएगी, अगर तब है तो आकर बचा ले। रफ्तार कम हो गई, बेफिक्र होकर बैठे थे ना, अब गुस्सा आ रहा है। ये तो शुरुआत है, चाल भी बदल गई है, नजर में फर्क आया है, लेकिन मेरे लिए ये काफी नहीं है। तुम्हारी आंखों से आंसू बहेंगे, तुम्हारा सर इस कदमों में झुकेगा, दिल्ली छोड़ने पर मजबूर हो जाओगे, तुम्हारी रूह कांप उठेगी, तब कहीं जाकर मैं तुम्हारी फैमिली को छोड़ूंगी। मिस्टर चंद्रशेखर, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को ऐसे हटा चुके, फिर तुम तो चीज ही क्या। अब तो तुम समझ ही गए होगे ना कि मैं क्या हूं, मेरा नेटवर्क क्या है। मेरे दामाद से उलझना आसान है, लेकिन मुझसे नहीं। हेलो आंटी, कैसे हो? आंटी प्लीज सेव अस, प्लीज डू समथिंग। क्या बेटा? बेटा क्या हुआ? Somebody kidnapped us. Hello? नोएडा से तेरी बहन का बेटा था ना? इटली से तेरे भाई की फैमिली। हेलो? बुआ, बुआ? हाँ बोलो ना, जल्दी बोलो क्या हुआ? किसी ने हमारा किडनैप किया है। हेलो? कनाडा से। हेलो? चाची, चाची प्लीज सेव मी। प्लीज सेव मी चाची। चींटी से अगर कोई पूछे कि उसने क्यों काटा, तो बताएगी कि मेरे घर को छेड़ा इसलिए काटा। तूने चार दीवारी के अंदर रहने वाली फैमिली का इस्तेमाल किया है। याद रख, मैं दुनिया भर में बैठी तेरी फैमिली का इस्तेमाल करूंगा। कुल मिलाकर 50 से 100 लोग, नेटवर्क इसे कहते हैं। जरा बता तो, दिल्ली किसे छोड़ना है, तुझे या मुझे? पैरों पर आकर किसे झुकना है, तुझे या मुझे? डिसाइड कर ले। सिर्फ एक कॉल काफी है तेरी फैमिली का सफाया करने के लिए। नहीं नहीं, तुम्हारी फैमिली को छोड़ दूंगी, मेरी फैमिली को छोड़ दो, जाओ लेकर आओ। ठीक है बेटा। चलो
सुन, तूने मुझसे पूछा था ना, थोड़ा सा भी डरती क्यों नहीं हूँ मैं? मेरी हिम्मत की वजह क्या है? मेरे पति मेरी हिम्मत है। औरतों की इज्जत करना इनकी फितरत है, इसीलिए तुम अब तक जिंदा हो। फिर कभी इनके आड़े मत आना। तुम लग जाओ। अच्छा सुन, मैं तेरे लोगों को छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुझे एक बात बताना भूल गया, मैंने जिन्हें किडनैप करवाया उनमें तेरा दामाद भी है। उसकी गलती के लिए कोई माफी नहीं है। मेरे दामाद को कुछ मत कर। मैंने तुझसे वादा किया था कि तेरे दामाद को मारूंगा। मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता। माजी, माजी, ये लोग मुझे मार डालेंगे। माजी, बचा लो मुझे। माजी, प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता। He's wrong. Shoot him. Are you okay? तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो ना? डर मत, डर मत।